ये आदमी को सुना और एग्जैक्टली द सेम मैं यही बोलने वाला हूँ। एंड आई थिंक एवरीबडी हैज आस्क फॉर कि भाई सुरेंद्र जी का सेशन रखना चाहिए। एंड ही वॉज टीओटी फॉर 10 कंसिक्यूटिव ईयर्स, राइट? तो सुनील सुनील जी, कैन यू हियर मी? हेलो, एम आई ऑडिबल? एनीबडी कैन से यस? यस 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 या कन्फर्म एम आई कन्फर्म ऑडिबल? थैंक यू वेरी मच। हाँ, आप सो ऑडिबल आई हो, जस्ट वॉन्टेड टू देख से लिया होगा थैंक यू इसके टू इस। ऑल या आई जस्ट वॉन्टेड टू से थैंक यू टू ऑल द पीपल ऑफ अलाइका इन द मैनेजमेंट ग्रुप, राइट? दे आर डूइंग सुपर जॉब इन दिस सच अ सिनेरियो, राइट? सो आई वुड से इन कोविड-19 जो जनरली जो न्यूज आ रहा है कि भाई कीप सेफ डिस्टेंस, हाथ धोइए, मास्क पहनिए, राइट? सो ये सब एक्टिविटी हमको करना है बिकॉज दिस इज अ पेंडेमिक सिचुएशन और ये छुआछूत की बीमारी है। तो अगर ये हम ये सब नहीं करेंगे तो इट विल इंक्रीज एंड इट विल डबल इन फ्यूचर टाइम, राइट? सो आई वुड स्टार्ट विद माई टूडेज मीटिंग विद फ्रॉम सम लिटिल बिट स्टोरी। एक बहुत छोटी सी स्टोरी है, आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर, और इसका कुछ मर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इंद्र भगवान जो है वो नाराज हो गया फार्मर से कुछ रीजन की वजह से। तो उन्होंने गुस्से में आके बोल दिया कि भाई अभी 12 साल तक बारिश नहीं गिरेगा, बराबर है? तो अभी आपको जो करना है कीजिए। तो जितने भी फार्मर्स थे वो तो बेचारे सदमे में आ गए, नाराज हो गए कि भाई हम करेंगे कैसे, खेती कैसे करेंगे, बराबर है? और धान नहीं उगेगा तो हम मर जाएंगे। तो ये सब टेंशन में उन लोग बैठे थे। लेकिन इतने सारे फार्मर्स में से देर वॉज वन फार्मर, वो डेली अपने खेत में जाता था, वो खेत को प्लाउइंग करता था, पानी डालता था, खाद डालता था, बीज डालता था। उसको मालूम है कि बारिश नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी डेली वो एक काम रोज करता था। 3 साल कंटिन्यूअस करते देख के बाकी सारे जो उसके जो दोस्त थे फार्मर्स थे, बोलते ये सब तू क्या कर रहा है, इसका क्या मतलब है? जब 12 साल तक जब बारिश आने वाला ही नहीं है तो ये सब एक्टिविटी करने का मतलब क्या है? यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड योर एनर्जी। तो उसने जो जवाब दिया कि 12 साल तक अगर मैं मेरा काम नहीं करूंगा, खेती खेड़ना, बीज डालना, खाद डालना, पानी डालना, तो 12 साल के अवधि में मैं भूल जाऊंगा कि मैं क्या कर रहा था, व्हाट वाज द प्रोसेस जो मैं कर रहा था। तो ये बात जो है वो शंकर भगवान की जो वाइफ है उन्होंने सुन लिया, पार्वती ने। और इसके बीच इंद्रदेव ने शंकर जी को भी बोल दिया था कि ये सब अगर आपके पास आते हैं तो आप उनको भी एंटरटेन मत करना, आप भी उनको बोल देना कि भाई मैं भी 12 साल तक डमरू नहीं बजाऊंगा, और डमरू जब बजेगा तो बारिश आने वाला था, दैट वॉज द सिनेरियो। तो ये सब जब बात जब ये बाकी सारे उसके जो दोस्त ने बोला कि ये सब तू क्यों कर रहा है, तो उसने जो जवाब दिया कि ये मैं भूल जाऊंगा अगर ये मैं काम नहीं कर रहा हूं, तो ये जो पार्वती है उसने ये बात उसकी सुनी तो उसको भी लगा कि अगर शंकर भगवान भी अगर 12 साल तक डमरू नहीं बजाएंगे तो शायद वो भी भूल जाएंगे। तो उन्होंने शंकर जी से कहा कि भाई अगर आप भी अगर 12 साल तक डमरू नहीं बजाओगे तो भूल जाऊंगा। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि शंकर भगवान जो है बहुत इनोशन आदमी है, बराबर है? दैट इज व्हाट वी से। तो उन्होंने जस्ट फॉर ट्रायल पर्पस डमरू बजाया। तो जैसे ही डमरू बजा बारिश शुरू हो गई, और जैसे ही बारिश शुरू हो गई जितने भी फार्मर्स थे वो खुश हो गए। लेकिन इतने सारे फार्मर्स में से वो एक ही जो बंदा था उसको मालूम था कि प्लॉइंग कैसे करना है, कैसे खाद डालना है, कैसे बीज डालना है। तो उसको तो इजी हो गया ये काम, बाकी सारे स्ट्रगल कर रहे थे बिकॉज उन लोगों ने काम छोड़ दिया, उनको पता ही नहीं है कैसे करना, दे फॉरगॉट एवरीथिंग। तो उसके खेत में काफी अच्छा धान आया। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि भाई ये कोविड हो या कुछ भी हो, कितना भी दिन अगर बंद होता है, लोग कहते हैं कि 10 दिन बंद रहेगा, 15 दिन बंद रहेगा, 1 महीना बंद रहेगा, 1 साल बंद रहेगा। मेरा ये कहना है कि एक कितना बंद रहेगा वो अपने हाथ में नहीं है,
अपने हाथ में है कि मैं मेरी जो स्किल है इंश्योरेंस के जो टूल्स है उसको मैं शार्पन करूं। ये इस वक्त में जितना भी मेरे नॉलेज को और मेरे स्किल को शार्पन करूंगा तो जब भी ये लॉकडाउन खुलेगा तो फॉर मी इट विल बी वेरी इजी टू सेल द प्रोडक्ट, टू मीट द क्लाइंट एंड टू सेल द प्रोडक्ट। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर ऑल एजेंट एडवाइजर कि भाई अपने स्किल को डेवलप करें। अब सेकेंड आता है कि भाई क्या है, क्या व्हाट इज बेस ऑफ इंश्योरेंस। अब मेरा जो लेक्चर है वो लास्ट है, काफी सारे लोगों ने, काफी एक्सपर्ट लोगों ने काफी सारी बातें शेयर की एंड दे आर ऑल जीनियस, उसमें कुछ ऐड करने जैसा है ही नहीं। और ऐसे भी इंश्योरेंस में कुछ ज्यादा बातें है भी नहीं, जैसे सुनील सोनी ने जो बोला मुझे बहुत अच्छा लगा कि व्हेन यू सीट विथ योर कस्टमर यू शुड नॉट थिंक ऑफ प्रोडक्ट, आप उससे दिल से कनेक्ट कीजिए। और 100% की बात उन्होंने कही है कि अगर आप अपने कस्टमर को दिल से कनेक्ट करोगे तो 101% आपका क्लोजर होगा ही होगा। और अगर फिनांस की वजह से अगर वो डिले करता है तो आज नहीं कल वो पॉजिटिव मोड में आ जाएगा। सो नाउ आई जस्ट वांट टू थ्रो सम लाइट ऑन व्हाट आर द स्किल्स डेवलपमेंट। सो एक एजेंट एडवाइजर का ड्यूटी क्या होता है, दैट इज व्हाट सुनील सोनी वाज ट्राइंग टू से। बेसिक ड्यूटी ऑफ एनी एजेंट एडवाइजर, चाहे वो MDRT हो, TOT हो, कुछ भी लेवल पे हो, उसका बेसिक काम होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल नेम गैदरिंग, उसके पास नाम का भंडार होना चाहिए, नेम नंबर्स होने चाहिए उसके पास। अगर नाम और नंबर उसके पास नहीं है देन इट इज वेरी डिफिकल्ट वो सर्वाइव करना इस इंडस्ट्री में, आज नहीं कल कहीं ना कभी उसको वे ब्रेक लगने ही वाला है। तो जैसे ही समझो 500 जन का नाम है या तो 300 जन का नाम है, उसमें से 10-15 जन को उसने कॉल कर दिया डेली एक्टिविटी में, तो जो 10-15 नाम खाली हो गया उसमें और 10-15 नाम एड हो जाना चाहिए। इट शुड वर्क लाइक अ टैंक, पानी की टंकी की तरह ये काम करना चाहिए। जैसे ही नाम खत्म हुआ ही शुड एड द नेम्स, सो दैट उसका जो डाटा है उसके पास उतना ही रहेगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग आई वॉन्टेड टू शेयर, दैट इज वी कॉल इट प्रोस्पेक्टिव। देन कम्स कॉलिंग। अब ये इतने सारे जो नाम नंबर्स निकल है उसमें से उसको डेली एक्टिविटी में कॉलिंग करना पड़ेगा। नाउ कॉलिंग इज नॉट दैट इजी एज वी से कि भाई सिंपल कॉलिंग करना है, ऐसा नहीं है। व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर रिलेटिव्स और आउटसाइडर्स कॉल कॉलिंग हो, यू हैव टू हैव परफेक्ट स्क्रिप्ट। आज अमिताभ बच्चन भी जो डायलॉग बोलता है या तो टीवी में वो जो कुछ बोलता है वो एकदम परफेक्ट वर्बेटम होता है, उसको डायरेक्टर ने जो बोला है वो ही वर्ड वो बोलता है, वहां बोलता है वो, अपना कुछ एडिशन उसमें नहीं करता है वो। सो मैं जब बात करता हूं स्क्रिप्ट की तो हर एक कंपनी के पास अपनी अपनी स्क्रिप्ट है कि भाई कैसे क्लाइंट के साथ कॉल ओपन करना। तो ये स्क्रिप्ट हमारी बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको जब तक हम मास्टरी नहीं करेंगे तब तक हमारा क्लोजिंग रेशियो जो है वो डिफर होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आईने के पास बैठ करके हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं बैठा हूं आईने के पास और मुझे किसी से बात करनी है तो मुझे पहले रिहर्सल करना पड़ेगा। जैसे सपोज मिले को सुनील सोनी जी से मिलना है, नाउ ही इज अ वेरी पॉलिश पर्सन, मुझे उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड पता चल गया, बराबर है। तो मुझे अपने आप को उस लेवल पे तैयार करना पड़ेगा। सो आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ इन सच अ मैनर कि जब मैं उनके साथ फोन पे बात करूं तो ही शुड लिसन टू मी, मेरा जो कॉल है वो वेस्ट नहीं हो जाए, वो ऐसा ना बोल दे कि आई एम बिजी राइट नाउ प्लीज कॉल मी आफ्टर वर्क। सो स्क्रिप्ट पे काम करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला। नाउ देन कम्स फिक्सिंग अपॉइंटमेंट। जैसे हमारा कॉलिंग हो गया एंड ही इज हैप्पी विथ अवर स्पीच ही विल गिव अस अपॉइंटमेंट। नाउ व्हेन वी आर कॉलिंग क्लाइंट वी हैव टू सेल अपॉइंटमेंट्स ओनली नॉट द प्रोडक्ट।
The basic problem with all agent advisor is that the moment he gets leads, he starts counting कि भाई इतने लीड है इसमें से इतना क्लोज होगा इतना रुपया मुझे मिलेगा. Now this is a wrong scenario. This is a very very wrong scenario. Insurance में commission पे काम करने वाले जो है वो ज्यादा दिन टिके नहीं है. यहां वही आदमी टिका है जिसका मिशन है, सुनील सोनी जी का मिशन है. ऐसे आदमी कभी बूढ़े नहीं होते. निखिल भाई, निखिल भाई आप म्यूट पे चले जाइए सर. अगेन आप सर, आपका वॉइस आ रहा है. थैंक यू सर. तो मेरा ये कहना था कि सुनील सोनी जैसे आदमी आपको. केतन भाई एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, किसी ने आपको म्यूट किया है. एक मिनट रुकिए, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज. अच्छा आई हैव डन इट, थैंक यू, प्लीज गो अहेड. आई एम ऑडिबल नाउ, आई एम ऑडिबल. यस यस गो अहेड. या थैंक यू. तो मेरा ये कहना था कि सुनील सर जैसे आदमी जो है वो बार बार एक ही कह रहे थे कि भाई मैं अभी एज हो गई और देयर इज अ जनरेशन गैप. नो सर, ऐसे आदमी जो है वो कभी बूढ़े नहीं होते हैं. ऐसे आदमी हमेशा जवान है. वो आपके पास 10 मिनट भी बढ़ जाए तो आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य होगा, 100% वो लिख के रखिए. तो मेरा ये कहना था कि आपको अपने आप को इतना प्रिपेयर करना पड़ेगा व्हेन यू आर मीटिंग कस्टमर पर्सनली, कि आपके व्हेन यू आर गोइंग टू मीट अ कस्टमर यू हैव टू हैव अ प्रोडक्ट नॉलेज. फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो भी कंपनी में काम कीजिए सर, आपको अपने कंपनी का प्रोडक्ट का थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है. That is the first thing. Secondly, you should never go into the unnecessary conversation. Suppose कोई client बोलता है कि भाई दूसरी company का term plan सस्ता है, why LIC का महंगा है. जब कोई बंदा, जब कोई client इस तरह का statement देता है, इसका मतलब यह है कि वो अपने को अपनी line से हटाना चाहता है. Sir, आपको उसको इतना ही बोलना है, सर ये मेरी कंपनी है, ये मेरा प्रोडक्ट है, एंड दिस इज व्हाट वी कैन ऑफर यू. दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू टेल, सो दैट अगेन वो जो बंदा है वापस अपनी लाइन पे आ जाएंगे और ये जो पूरा मीटिंग का जो हैंडल है अपने हाथ में रहेगा. अदरवाइज क्या होगा, वो जो मीटिंग है वो क्लाइंट के हाथ में चली जाएगी और हम जिस पर्पज के वहां बैठे थे वो पूरा खत्म हो जाएगा. So this was the another thing that we have to be prepared when we are meeting the customer. अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब हम बात करते हैं क्लाइंट से तो ज्यादातर जो इंश्योरेंस एजेंट है, क्योंकि हम जब भी इंश्योरेंस एजेंट को जब ये फील्ड में लाते हैं तो हम उनको चांद तारे दिखाकर ही लाते हैं, और वो चांद तारे देखकर इस इंडस्ट्री में आता है, और जब वो यहाँ पाता है कि इट इज नॉट ईजी, फिर वो छोड़ के चले जाता है. सो द परसिस्टेंसी रेशियो, यहाँ टिकने का जो रेशियो है बहुत कम है. पीपल दो वी नो दैट इट्स अ ब्यूटिफुल लाइन, बट स्टिल पीपल आर नॉट टर्निंग इन टू दिस लाइन. द सिंपल रीजन इज बिकॉज वी शोइंग बिग बिग फोटो, ऐसा क्या है, ऐसा कमीशन है, ये है, फलाना देखना है. तो जब भी एक एजेंट एडवाइजर क्लाइंट के पास बैठता है वो वही प्रोडक्ट बताता है जिसमें उसको फायदा है. And this is totally wrong. ये 100% गलत बात. हम जब क्लाइंट के पास बैठे एंड जब आइस ब्रेकिंग हो जाती है, जब हम दोनों नॉर्मल स्टेज पे आ जाते हैं, देन वी हैव टू डू द नीड बेस्ड एनालिसिस. इंश्योरेंस का मेन कोर बिजनेस है फर्स्ट चाइल्ड एजुकेशन, सेकेंड चाइल्ड मैरिज, थर्ड बाइंग अ हाउस, चौथा है अपना पेंशन रिटायरमेंट प्लानिंग, एंड फिफ्थ इज लेगेसी क्रिएशन. दीज आर द ओनली 5 core goals ये इंश्योरेंस बेस्ड है. अगर ये 5 core goal को हमने यूटिलाइज नहीं किया और हमने सेल डन किया तो वो बहुत डिफिकल्ट है कि वो कंटिन्यू करेगा अपनी पॉलिसी.
तो जब कोई बंदा पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करता है तो उसको भी नुकसान है, कंपनी को भी नुकसान है, एज अ परसिस्टेंसी लेवल पे और एज एन एडवाइजर का भी परसिस्टेंसी खराब होता है. सी इफ आई टॉक अबाउट माय परसिस्टेंसी मैक्स लाइफ टुडे इट इज 96%. इसका मतलब यह है कि जितनी भी मैंने पॉलिसी बेची है वो उसमें से 4% आदमी जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बंद किया है पॉलिसी, या तो काफी सारे मैच्योरिटी होगी. सो मेरा ये कहना है कि अगर नीड बेस्ड एनालिसिस हम करते हैं, ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू इट्स अ स्लो प्रोसेस, इसमें तुरंत सफलता मिलनी कठिन है, लेकिन अगर ये बेस एक बार बन गया और अगर ये चीज आपको जम गई करनी शुरुआत, तो आई एम गिविंग यू गारंटी कि आप जितनी भी पॉलिसी सेल करोगे उसका परसिस्टेंसी लेवल विल बी वेरी हाई, इट विल बी अबाउट 90-95%. इंडस्ट्री की मैं बात करूं, परसिस्टेंसी लेवल जो है वो बहुत गंदा है, 13 मंथ परसिस्टेंसी और 5 ईयर परसिस्टेंसी इफ यू सी ओवरऑल इट इज 60%. इट इज वेरी बैड, वी आर स्पॉइलिंग समबडीज मनी, हम किसी और के पैसे को बर्बाद करते हैं बाई सेलिंग रॉन्ग पॉलिसी, एंड दैट इज हैपनिंग बिकॉज वी आर नॉट डूइंग प्रॉपर नीड बेस्ड सेलिंग. एंड आई एग्री विथ सुनील सोनी जी, उन्होंने उन्होंने जो उनका कहना था कि यू शुड कनेक्ट विद द हार्ट, आई थिंक ही विल एग्री कि मैं ये जो बोल रहा हूँ ये वो भी उसके साथ यही बोलना चाहते हैं. नाउ देन कम्स द क्लोजर, वंस यू हैव सोल्ड योर सेल्फ योर कंपनी योर प्रोडक्ट एंड यू हैव डन द नीड एनालिसिस, देन यू हैव टू डू द क्लोजिंग राइट, एंड इट एवरीबडी इज हैप्पी बिकॉज वंस द क्लोजिंग इज डन आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, एजेंट इज वेरी हैप्पी, इट इज गोइंग होम वेरी हैप्पी. But this is not the end. This is just a beginning. Once you sell the policy, your work starts. How it starts? You have to deliver the policy. Now, in some companies, policy goes directly to the customer. In some companies, policy is given to the agent advisor. So, agent advisor is going personally to client's house. So, अगर हम जाते हैं क्लाइंट के हाथ घर पे अपॉइंटमेंट ले करके उसको फिर से समझाना है कि सर आपने ये प्लान लिया है, आपका एज ये है, आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, ईमेल आईडी ये है, पैन नंबर ये है, एड्रेस चेक कर लीजिए, फोन नंबर चेक कर लीजिए, सर आपने ये प्लान लिया था, यू विल हैव टू पे फॉर सो मेनी इयर्स, ये प्लान आपने लिया था उसका पर्पस क्या था. सो यू हैव टू रिमाइंड द पर्पस ऑल्सो टू द क्लाइंट, तो उसके दिमाग में जो है वो फिट हो जाए कि भाई ये पैसा जो मैं भर रहा हूं मेरे सेविंग में से मेरा एक कुछ पर्पस है, सो आई विल नॉट स्टॉप कंटिन्यूइंग दिस पॉलिसी. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डिलीवर द पॉलिसी एंड यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग. सेकेंड थिंग इज वेन एवर द बर्थडे, क्लाइंट का जब जन्मदिन आता है आपको उनको शुभेच्छा भेजनी है, यू हैव टू से गुड विशेस दैट हैप्पी बर्थडे. अच्छा उसको तो देना ही देना है, देन वी हैव टू गिव टू हिज फैमिली मेंबर्स आल्सो. सो दिस इज द वे वी कैन कनेक्ट. सी आई हैव 460 पॉलिसीज विद मी, फैमिली मेंबर को मैंने उनको कवर किया है. नाउ एज अ सिंगल पर्सन अगर ये लॉकडाउन नहीं भी होता तो फॉर मी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्टेक्ट ऑल दिस पीपल. सो वॉट आई एम डूइंग इज एंड वॉट आई एम टेलिंग माई टीम मेंबर इज दैट दैट वंस द पॉलिसी स्टार्टेड योर वर्क स्टार्ट. You have to say good wishes, send good wishes when there is a birthday, when there is a marriage anniversary. अच्छा उसका बच्चा अगर कोई हायर सेकेंडरी में पास हो गया, आपको वो पता होना चाहिए, आपके पास डेटा होना चाहिए कि भाई फलाना कस्टमर है उसका बच्चा अभी 9th में है, अभी 10th में आएगा. सो यू हैव टू कॉल देम एंड यू हैव टू आस्क देम सर क्या चल रहा है अपना बच्चे का करीब. सो इफ दिस इज द वे यू कैन कनेक्ट योर क्लाइंट, ये होने के बाद आप जब क्लाइंट से पूछते हो सर इफ यू आर सेटिस्फाइड विथ माय सर्विस कैन यू गिव मी सम रेफरेंसेस, आई थिंक क्लाइंट विल नेवर से नो, वो कभी हेजिटेट नहीं करेगा आपको रेफरेंसेस देने के लिए. और इंश्योरेंस बिजनेस जो है वो ज्यादातर रेफरेंस से ही चलता है, इट इज अ माउथ पब्लिसिटी बिजनेस. कॉल कॉलिंग of course there are so many people are doing it, but I think there are 2-3% success rate is there. So these are the basic thing of agent advisors they should practice when there is a lockdown. Humko haath pe haath rakh ke aise baithe nahi rehna hai,
कि भाई क्या होगा, जब होगा तब चालू करेंगे, तब देखेंगे करेंगे। अगर हम ऐसा ही करेंगे तो हम हमारी जो स्किल्स है ना वो भूल जाएंगे। और एक बात मुझे याद आई, दिस विच इज आई एम शेयरिंग विथ माई एजेंट एडवाइजर। एम आई ऑडिबल सर? हेलो, कैन एनीवन टेल? गो अहेड। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और एक मुझे बात करते एक चीज याद आ गई कि मेरी जितने भी एजेंट एडवाइजर है, मैंने उनसे एक बुक बनाई है, 200 पेजेस की बुक है, और वो मेरे ख्याल से 25-30 रुपए की आती होगी। लेकिन आज वो जो बुक उन लोगों के पास है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। वो ज्यादा क्यों है मैं बताना चाहता हूँ। मैंने जितने भी एजेंट एडवाइजर है उनको मैंने बोला है, आप जब भी किसी क्लाइंट से बात करते हो और या तो पर्सनल मीटिंग करते हो, आप वो क्लाइंट का एक पेज बना दीजिए। सी फॉर एन एग्जाम्पल, मैं सुनील सोनी जी से बात किया हूं, तो आई विल नोट डाउन द डेट ऑन विच डेट आई टॉक टू हिम एंड व्हाट वाज द कॉन्वर्सेशन बेसिक, एंड देन मीटिंग जब मैं करूंगा तो वो मीटिंग की भी मैं इसमें नोट डाउन करूंगा। तो मैं क्या नोट डाउन करूंगा, आई विल नोट डाउन द डेट ऑफ बर्थ ऑफ सुनील सोनी, उनके वाइफ, उनके बच्चे, मैरिज एनिवर्सरी एंड एवरीथिंग। देन आई विल आस्क फॉर ईमेल आईडी, दिस इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट। देन आई विल आस्क फॉर ई इंश्योरेंस अकाउंट। ई इंश्योरेंस अकाउंट इज अननेसेसरी हो गया है, काफी सारे लोगों ने ये ओपन किया हुआ है। आज गवर्नमेंट भी चाहती है कि फिजिकल डॉक्यूमेंट ना भेजो, क्योंकि पेपर के लिए हमको जंगल काटना पड़ रहा है। सो ई इंश्योरेंस में हमारी सॉफ्ट कॉपी जो है वहां स्टोर हो जाती है। तो अगर कहीं आग लग जाती है या तो फ्लड आ जाता है, हमारे पास डॉक्यूमेंट अगर फिजिकल होगा तो खराब हो जाएगा, वो यूजफुल नहीं रहेगा। बट वो जो डॉक्यूमेंट ई इंश्योरेंस में पड़ा है उसको कुछ नहीं होने वाला है। वी कैन जस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, हम कहीं भी होंगे, हम हमारा ईमेल अकाउंट में नंबर डाल देंगे, वी गेट द कंप्लीट पॉलिसी डॉक्यूमेंट विथ मेडिकल रिपोर्ट अगर हुआ है तो। सो मेरा ये कहना था कि ये भी मैं ई इंश्योरेंस भी ले लेता हूँ उनके पास। अच्छा, जब मैं नीड एनालिसिस करता हूँ क्लाइंट का, क्योंकि उसके सिवा तो पॉलिसी बेचना गुनाह है। अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू आर सेलिंग पॉलिसी विदाउट डूइंग नीड, चाहे कितना भी बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो सर, नीड एनालिसिस के बिना अगर आप उसको पॉलिसी बेचते हो, ये गुनाह है। तो ये फर्स्ट स्टेप मैं करता हूँ। मेरे जितने भी एजेंट है उनको, उन लोगों को सिखाया हुआ है, दे डू नीड एनालिसिस। और वो जो प्रोसेस है नीड एनालिसिस, बिकॉज मैं इसमें आपको दिखा नहीं सकता हूँ, मैंने बनाया है, तो आई विल सी आई कैन शेयर विथ नरेंद्र भाई व्हेन आई कंप्लीट दिस, सो दैट ही विल शेयर विथ ऑल योर एजेंट एडवाइजर। सो वो जो फॉर्मेट है वो इतना ब्यूटीफुल है, एंड इट इज सो सिंपल। बाय सिंपल आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस आप लास्ट में आपको आंसर मिल जाता है कि एक पर्टिकुलर जो क्लाइंट है उसको कितना इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट है। अगर आपको उसका इंश्योरेंस पता चल गया, देन इट इज वेरी इजी टू ऑफर हिम द प्रोडक्ट्स, चाहे वो कम कोई भी कंपनी का हो। अगर वो बंदा 55 साल का है और अगर हम उसको चाइल्ड प्लान दे देते हैं तो हम उस आदमी का मर्डर कर रहे हैं। वी आर नॉट सॉल्विंग हिज प्रॉब्लम, वी आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन हिज लाइफ। सो ये जो मैंने बनाया होगा, आई विल ऑफकोर्स शेयर विद नरेंद्र भाई और प्रहलाद माली सर से भी मैं शेयर करूंगा। इट इज रियली गुड एंड आई हैव कम अक्रॉस 2-3 कंपनीज, वहां से बेस्ट मैंने ले करके ये बनाया हुआ। इट इज वेरी इजी टू ऑपरेट। तो ये चीज भी है, मैं उनको बोला है कि आप ये बुक में लिखिए, एंड नॉट ओनली दे राइट इन द बुक, दे शेयर दैट विथ द क्लाइंट इटसेल्फ। सो व्हेनेवर क्लाइंट सी दैट, तो उसको पता चलेगा कि भाई ये बात एक मेरे एजेंट एडवाइजर ने उनसे की थी, ही हैज डन द नीड एनालिसिस फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन ही हैज डन प्रैक्टिकली, उसने देखा विथ फिगर्स कि भाई इसको कितना रिक्वायरमेंट है। सो द मोमेंट यू डू दिस, उसको भी इजी पड़ जाएगा, उसको भी पता चलेगा कि यस आई शुड हैव इंश्योरेंस। हमको उसको बोलने की जरूरत नहीं है, सर मैंने को जिसने यहाँ इंडस्ट्री में लाया है उसका नाम है मिस्टर अभय दाऊद खाने, आई मस्ट टेक हिज नेम, बिकॉज मुझे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, आई वॉज अ बिजनेसमैन, आई वॉज हैविंग डायमंड फैक्ट्री, बट ड्यू टू सर सम सर्कमस्टेंसेस आई मेड अ लॉस एंड आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड, एंड दिस फेलो केम टू मी एंड ही सेड जॉइन इंश्योरेंस। आई सेड, मैंने हाथ जोड़ दिया,
आई सेड प्लीज फॉरगिव मी, आई डोंट वांट टू ज्वाइन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। उस वक्त कुछ 25 दिन की ट्रेनिंग होती थी, आई सेड आई कैन नॉट अटेंड ट्रेनिंग, और मेरा उस टाइम पे एज था 42। सो एट द एज ऑफ 42 आप थक जाते हो, आपको इंटरेस्ट नहीं होता किसी और चीज में जब आप बिजनेसमैन होते हो। लेकिन सम हाउ मेरी वाइफ जो है, और ऐसे क्रिटिकल पीरियड में हमारी जो वाइफ है ना, वो हमको बहुत यूजफुल करती है। उसने मुझे बताया, व्हाई डू यू गो एंड जस्ट लिसन, जाके बैठना। तो मैंने जस्ट बैठा एंड दिस इज दैट आई एम। तो वो आदमी जो है, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा बिकॉज उसके पे बोलने के लिए मुझे 1 घंटा लगेगा। तो वो जो अभय राउत खाना है, आज वो कोटक महिंद्रा में पैन इंडिया का ट्रेनिंग हेड है। ही इज सो डायनामिक एंड आई विल सी दैट, दैट इज व्हाट आई हैड वर्क विद नरेंद्र भाई ऑल्सो। अभी आप कुछ बात कर रहे थे कि भाई मैं सेकेंड सेशन करने वाला हूँ, अगर वो बंदे को टाइम है और अगर लॉकडाउन ऐसे ही चलने वाला है, तो आई विल सी दैट अगर वो आदमी अपने को ज्वाइन करता है, आई विल आई एम गिविंग यू गारंटी सर, अभी जितने भी 245-250 आदमी जो ज्वाइन किए हैं ना, दे विल से थैंक यू टू अभय सर, सच अ डायनामिक पर्सन। सो वो आदमी ने जो हमको सिखाया वही मैं फॉलोअप कर रहा हूँ। तो ये जो प्रैक्टिस मैंने आपको बताया कि भाई ये कि भाई बुक में उसको ये सब लिखना है, लास्ट में मैं ये भी उनको बोलता हूँ कि भाई सपोज आप सुनील भाई से बात कर रहे थे, तो सुनील सर ने आपसे क्या आर्ग्यूमेंट किया, राइट, व्हाट आर द क्वेश्चन ही रेज। सो मैं वो क्वेश्चन भी उनको बोलता हूँ कि यू प्लीज नोट डाउन इन द बुक। सो क्या होता है इससे, क्या हुआ, पहले जब कोई एजेंट करेगा तो उसको लगेगा ये मैं क्या फालतू कर रहा हूँ, ये क्या बचकानी बातें बोल रहे हैं सर, केतन सर, हाँ मैं तो एक्सपर्ट हूँ, आई कैन डू इट। क्योंकि जो भी इंडस्ट्री में आता है वो कहीं ना कहीं फील्ड से आ रहा है, वो तो अपने आप को एक्सपर्ट ही समझता है। लेकिन मेरे को अभय सर ने एक ही बात बोला था कि सर आपको अगर सक्सेसफुल होना है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, आप कोई भी इंडस्ट्री में चले जाइए, अगर आपको सक्सेस होना है और आपका जो गुरु जो बोलता है उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है, डोंट आर्ग्यू विद द गुरु एटलीस्ट फॉर 1 ईयर, जस्ट डू इट वॉट एवर ही सेज, एंड टू बी वेरी फ्रेंड आई हैव डन वॉट एवर ही सेड एंड दैट इज वेयर आई एम राइट नाउ एंड एग्जिट इज द सेम। मेरी जो टीम है अभी, जो टीम है मेरी, दे आर डूइंग फैंटास्टिक बिजनेस एंड दे आर ऑन 100% राइट पाथ। तो उन लोग सब क्वेश्चन आंसर जो है वो भी लिख लेते हैं। तो इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि अब 1-1.5 साल से जो मेरे साथ बंदा है, उसने समझो 80-90-100 मीटिंग किए है, तो उसके पास 100 पन्ने का डिटेल्स है। आज की तारीख में डाटा जो है ना, डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज हर एक कंपनियां जो है डेटा पे काम कर रही है सर, और जिसका ज्यादा डेटा मैनेजमेंट है, जो जितना डाटा एक्वायर कर सकता है उतना वो रुपया बना सकता है, जिसको ज्यादा लीड मिलती है वो ज्यादा रुपया बना सकता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। एग्जैक्टली द सेम आज मेरे एजेंट के पास 100 पन्ने का जो डेटा है, मैं उनको बोलता हूं अभी आपको क्या करना है, आपको जब भी फ्री टाइम मिलता है जस्ट ओपन 1 पेज एंड जस्ट गो थ्रू इट। तो आपको क्या पता चलेगा उसमें से, आपको पता ये चलेगा कि आपने एक सब जो सपोज सुनील सर को मिले थे 1-1.5 साल पहले, तो आपके पास पूरा चिट्ठा लिखा हुआ है कि भाई आप सुनील सर से मिले थे, कौन से दिन को मिले थे, क्या क्या बात हुई, उसके नीड एनालिसिस किया, व्हाट एवर इट इज। और बेस्ट पार्ट इज दैट कि उसने जो क्वेश्चन पूछे थे और उसका आंसर आपने क्या दिया था वो भी लिखा हुआ। सो आई कॉल दिस बुक इज द बाइबल ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। और ये जो बाइबल है किसी भगवान ने नहीं बनाई है, ये बाइबल है एजेंट एडवाइजर ने खुद ने बनाई, खुद की मेहनत से बनाई, चाहे उसने गलती की हो जो भी हो, बट आई टोल्ड देम दैट यू हैव टू नोट डाउन वॉट एवर यू आर डूइंग। सो दिस इज वॉट द बेसिक प्रैक्टिस वी हैव टू डू इट। नाउ जब सब बंद है, जब हम बाहर जा ही नहीं सकते हैं, तो कस्टमर्स को कॉन्टेक्ट कैसे करें? सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चन अराइजिंग। सो डिजिटलाइजेशन इज द ओनली सॉल्यूशन टू इट। नाउ वेन वी से डिजिटलाइजेशन, सो देर आर few companies, see there are 24 companies and the BAP is LIC, so plus 1, so I call it 24 plus 1, so 25 companies mein se there are only 5 companies which have digital platform, aur us company ke agent advisor ko training mili hui hai, and in this scenario also they are doing good business. Even my team in March they have done business, in April they have done good business.
इट इज ओनली बिकॉज वी हैव दैट डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड ओनली थिंग दैट दे आर डूइंग व्हाट आई एम सेइंग. आई हैव टोल्ड देम प्लीज लिसन टू मी, जो मैं बोलता हूं एक साल तक आप करिए. अगर आपको सक्सेस नहीं मिलता है, आप बेशक बेझिझक ये लाइन को छोड़ देना, यहां फिर टाइम वेस्ट मत करना. कहीं और पैसा मिलता है तो कहीं और चले जाना, बट प्लीज वन ईयर एटलीस्ट यू लिसन टू मी. तो डिजिटलाइजेशन में काफी लोगों ने अगले पिछले दिनों में बोला गया, जैसे मेरे नवेल भाई से बात हुई थी तो काफी लोग ने बताया है कि भाई यू हैव टू यूज लिंक्डइन, यू हैव टू यूज फेसबुक, यू हैव टू यूज व्हाट्सएप. आई एम वेरी मच फैमिलियर विद व्हाट्सएप एंड दैट इज हाउ मैं नरेंद्र भाई से मिला एंड इट वॉज अ वेरी लकी पर्सन आई वॉज कि उनसे मिला है, वेरी एक्सपीरियंस है. तो उनकी वजह से मैं आज काफी सारे बंदों को मिला और आई हैव मेट, आई हैव कम टू चौपाटी ऑल्सो, आपके जो फंक्शन में मैंने अटेंड किया एंड आई वॉज सो हैप्पी कि सब जो है एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं एंड सब महारथी लोग. तो आज जितने 237 आदमी में से काफी सारे नए एजेंट एडवाइजर हो गए, तो मुझे उनको सिर्फ कहना चाहता हूँ आप इतने ब्लेस्ड हो अलाइका में, जो आपके जो मेंबर्स है, मेंबराना है, सब इतने एक्सपीरियंस है, आप उनका खाली एक वर्ड चुन लीजिए. जैसे मैं इतने साल से हूँ, 11-12 साल हो गया मुझे, बट अभी मैं क्योंकि मुझे प्रहलाद जी ने बताया था आप 11:15 बजे आ जाना, तो आई वॉज जस्ट लिसनिंग टू सुनील सोनी जी. सुनील सोनी है सेड फैंटास्टिक वर्ड्स और मैं आप मानोगे नहीं, मैं अभी बाजू में कंप्यूटर खोल के बैठा हूँ, मैंने वहां नोट डाउन कर दिया. ऑफकोर्स आई एम गोइंग टू यूटिलाइज दिस वर्ड्स ऑल्सो. सी ये जो है ना गोल्डन वर्ड्स है और ये गोल्डन वर्ड बुक्स में नहीं मिलेंगे सर, इट इज कमिंग फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस. सुनील सर ने इतने साल का अनुभव, यानी समझो मेरे ख्याल से 30-40 साल से होंगे, तो ये 30-40 साल का अनुभव इंश्योरेंस का प्लस उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस अगर ये मैं जोड़ दू तो एक पहाड़ जैसा काम हो गया और इतनी बड़ी चीज वो आपको एक सेकंड में बोल देते. तो ऐसे आदमी ने जो बोला है, अगर हम आंख बंद करके फॉलो करेंगे 100% आई एम टेलिंग यू सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा. शुरुआत में शायद तकलीफ हो सकती है लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. सो डिजिटलाइजेशन में काफी लोगों को लीड्स का इश्यू होता है, मैंने सुना है, मेरे टीम में भी बोलते हैं सर मेरे लीड खत्म हो गए, अब लीड्स कहां से आएगी. सो वी कैन यूटिलाइज फेसबुक. मेरे फेसबुक में काफी लोगों के नाम है, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल आई हैव नरेंद्र भाई शाह, तो नरेंद्र भाई शाह का मैं अगर क्लिक करता हूं तो नरेंद्र भाई के अंदर काफी सारे लोग हैं. So like that I can connect to people sitting at home. अब मैं आपसे जब बात कर रहा हूं, मैंने मेरे घर में एक बाकायदा एक कॉर्नर में ऑफिस बनाया हुआ है. So when I sit in that place, I feel like I am sitting in office. तो ये काम करना ही पड़ेगा और ये लंबा चलने वाला है. अगर आप किसी को सुन रहे हो या कुर्सी पे बैठ के, अगर बेड पे सोते सोते अगर फिजिकल इश्यू है तो बात अलग है, लेकिन इफ दिस इज द पोस्चर कि भाई मैं आराम से बैठा हूं, सुन रहा है, बोल रहा है, वो चलने दो, तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिल सकती. आपको अगर सुनना है तो आपको भी उस गेटअप में आना पड़ेगा, सिस्टमेटिकली बैठना पड़ेगा. सो फेसबुक इज देयर, ऑफकोर्स व्हाट्सएप इज देयर. व्हाट्सएप को मैं हमेशा, मैं काफी लोगों को, मेरी प्रैक्टिस रही है डे वन पे मैं एक पब्लिकेशन भेजता हूँ मेरे लेटर हेड पे, जो भी चेंजेस होता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, चाहे फाइनेंस इंडस्ट्री में हो, म्यूचुअल फंड में हो, तो आई ऑलवेज शेयर विद माय क्लाइंट, माय रिलेटिव्स, माय फ्रेंड्स, माय न्यू वुड बी कस्टमर, और वो कस्टमर को भी मैं भेजता हूँ जिसने मुझसे पॉलिसी नहीं ली है. आज भी मैं उनको बर्थडे विशेष भेजता हूँ, उनको मैरिज एनिवर्सरी भेजता हूँ. मुझे मालूम है कि उसने मुझसे पॉलिसी नहीं ली है, वो शायद नहीं लेगा या लेगा, मुझे कुछ भी पता नहीं है, बट बीइंग एन ट्रू इंश्योरेंस एडवाइजर इट इज माय ड्यूटी, इट इज माय वर्क दैट आई शुड कंटिन्यू दिस टिल आई लिव. सो फेसबुक हो गया, देन व्हाट्सएप हो गया, देन लिंक्डइन शेयर है, आज वेरी इंपॉर्टेंट है. आपका जो भी अचीवमेंट है उसमें शेयर कीजिए, इट इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. और अभी तो इंस्टाग्राम भी आ गया है. So there are many n number of platforms. आपको जो भी इजी पड़ता है, जैसे मुझे व्हाट्सएप इजी पड़ता है,
किसी को फेसबुक इजी पड़ेगा, किसी को लिंक्डइन इजी पड़ेगा, तो जिसको जो इजी पड़े यूटिलाइज करना पड़ेगा ये डिजिटल प्लेटफॉर्म को, और अपना ब्रांड क्रिएट करना पड़ेगा। सुनील सोनी जी ने अपना ब्रांड क्रिएट किया है, और ये एक साल में नहीं हुआ है सर, इट इज अ वर्क ऑफ 40 इयर्स। आई डोंट नो सुनील सर, कैन यू हियर मी? सुनील सर, सुनील जी, सुनील जी, कैन यू कैन सुनील सर, सुनील सर, आप कितने साल से हो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में? 38 इयर्स। या सर, मैं जो बोल रहा था देखो उनको देख के मैंने जस्ट जजमेंट लगाया कि 40 साल से सुनील सर है, सो ही इज इनटू द इंडस्ट्री 38 इयर्स से है। सो 38 साल से ये बंदा जो काम कर रहा है उसने अपना एक ब्रांड क्रिएट किया है। ब्रांड बनाने में आदमी की जिंदगी चली जाती है, और अभी ये जो सिनेरियो है कोविड 2019 में जो ये हो रहा है अपना, ये मौत बट रही है हर जगह पर। हमारा जो बिजनेस है भगवान ने आसान कर दिया है, तो अगर हम इस सिचुएशन को अगर नेगेटिव वे में ले करके घर में आराम से बैठ जाएंगे तभी हम काम मीटिंग। हेलो, हाँ, थैंक यू नितिन। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि अगर हम बैठे रहेंगे कोविड 19 के सिचुएशन में और आराम करेंगे, तो मैंने जब स्टार्टिंग में जो कहानी कही कि हमको अपने जो स्किल जो है ना उसको शार्पन करना पड़ेगा, उसको शार्पन करके रेडी रखना है, तो ताकि जब ये खुले तो हम प्रेजेंटेबल हो, प्लान के सामने हम खड़े रह सके, नहीं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो यहां से नीचे आ जाएगा, इट विल कम डाउन। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इस कोविड 19 के सिचुएशन में इट शुड गो अप, और वो तभी ऊपर जाएगा जब हम स्किल जो अपना जो प्रैक्टिस है दिल्ली का जो मूवमेंट है वो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। सो आई थिंक आई हैव कवर मेनी ऑफ द टॉपिक्स। इंश्योरेंस इतना बड़ा सब्जेक्ट है और इंश्योरेंस इतना छोटा सब्जेक्ट है कि आप उसको 4 वर्ड में भी कंप्लीट कर सकते हो और इसको 4 घंटे तक भी चला सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू मी आई हैव ट्राइड माई बेस्ट प्रैक्टिस विच आई एम फॉलोइंग विथ माई टीम मेंबर्स एंड आई एम गेटिंग रिजल्ट अफकोर्स विद देम। और एक दो चीज मैंने शेयर करने की कही है नरेंद्र भाई से, मैं शेयर करूंगा, आई थिंक दैट इज वेरी गुड विच आई एम शेयरिंग विथ माई कलीग। सो विथ दिस बी सेफ, हाथ धोते रहिए, मास्क पहनिए, बाहर मत जाइए, कीप डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये हुआ कि हमको जब गवर्नमेंट बोल रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग करिए, इन दिस सिनेरियो हमको फिजिकल डिस्टेंस करना है, सोशली कनेक्टेड रहना है। फिजिकली हमको दूर रहना है लेकिन सोशली कनेक्ट रहना है। इन सिचुएशन में जितना भी अपने क्लाइंट्स है उनसे बात करनी पड़ेगी, सर कैसे हो आप, कैसे फैमिली मेंबर्स, एवरीबडी इज ओके सर, आप कहीं घूमने गए थे, कैसी मजा आया कि नहीं, दैट दिस इज हाउ यू कैन डू द स्टोरी एंड देन आस्क अबाउट द प्रोडक्ट व्हिच आई हैव गिवन, इज इट ओके सर, आपको समझ में आया सर मैंने आपको ये क्यों दिया था, आपका उस वक्त जो पर्पज था वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो व्हेन यू टॉक ऑल दिस थिंग विद क्लाइंट्स, क्लाइंट को रियलाइज होगा कि नहीं ये आदमी सही बंदा है। इस सिचुएशन में भी मुझे फोन कर रहा है सबसे पहली बात इज आस्किंग अबाउट मी एंड माई फैमिली एंड इज रिमाइंडिंग मी द प्रोडक्ट विच ही हैज सोल्ड मी, और जो मेरा पर्पज है वो उसको फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो इन दिस अगर वो आदमी अपना सेटिस्फाइड है आपसे तो 100% ही विल गिव यू द रेफरेंस। सो दिस इज द वे वी कैन डू बिजनेस इन कोविड सिचुएशन। सो थैंक यू वेरी मच, मैं आप सबको नमस्कार कर रहा हूँ, स्पेशली टू नरेंद्र भाई, प्रहलाद माली सर, संजय पारेख सर एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी मिस्टर सुनील सोनी जी। सुनील सोनी, थैंक यू एंड विद दिस आई एम एंडिंग माई दिस थिंग बिकॉज आई हैव टू अटेंड 11:30 का लेक्चर था, वो 11:43 हो गया है। सो आई वुड कंक्लूड बाय सेइंग दैट प्लीज फॉलो द बेसिक एक्टिविटी ऑफ एजेंट एडवाइजर। एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक्स Thank you. 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 Thank you
So I take Pralad sir. Hello. Yes, yes, go ahead. Mr. Pralad. Pralad sir, I am taking you because I have to attend another this thing. Yeah. Thank you, sir. Bye-bye. Bye-bye, everyone. Thanks. Thanks for listening. Bye. Pralad, you can take over. So now we are having a sufficient time. So anybody wants to do some presentation or should we continue with something else? Should I take this LIC bonus and additional bonus, etc.? Manish Dawda here. मॉर्निंग के सेशन में मैं थोड़ा लेट था आपसे 10 बजे से 10 से 11 के बीच में हम तो क्वेश्चन आंसर्स रखते हैं ना तो आई वाज अ लिटिल लेट सर सो उस दरमियान मुझे मालूम पड़ा कि उसमें कुछ डिस्कशन हो रहा था कि जो मैच्योरिटी अमाउंट अभी इस अप्रैल और मई महीने का जो पेमेंट है वो कल किसी ने बताया कल ब्रांच में भी हुआ है मेरे ब्रांच में हमने ऑलरेडी एक दिन का SB ड्यू था जो ऑलरेडी बैंक रजिस्टर्ड था लेकिन उसका 28 को आया नहीं 20 अप्रैल को और 25 अप्रैल को उन्होंने कुछ बताया था कि इस हिसाब से करना है कैन यू टेल मी सर एक बार एक रिपीट कर पाएंगे सर कि क्या है हाउ टू प्रोसीड फॉर दिस एंड ऑन सर मालिक सर हाँ सर आपने सुना मैंने क्या बोला सर नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं बोला देयर इज अ क्वेरी फ्रॉम मितेश दावड़ा दिनेश दावड़ा सर अबाउट द रिन्यूअल पेमेंट नो नो सर रिन्यूअल पेमेंट नहीं नहीं मैच्योरिटी क्लेम एसबी ड्यू और एनीथिंग या हां तो सब मेरे कुछ नो अबाउट दैट इज एनीबॉडी इज हैविंग आंसर फॉर इट प्लीज आई थिंक सवेरे मिस्टर विजयन करके कोई थे उन्होंने कुछ किया था सर बिकॉज़ मैं जरा ओके हेलो या हेलो मैं ले था मैं इसमें होस्टिंग कर रहा था दूसरे एक एजेंट था उनका हुआ तो ब्रांच में गया फटाफट हुआ करके बता रहे थे सेम डे उनका नाम मुझे भी अभी याद नहीं सवेरे बोला था उन्होंने इसमें है कोई सवेरे वो मैच्योरिटी अमाउंट सेम डे मिला करके बता रहे थे विपुल शाह या जयेश देसाई होंगे विपुल शाह शेयर दैट द पेपर वाज स्कैन एंड सेंड टू द हां करेक्ट And then that was given to the DO office on the same day. Payment was not made. Payment is going to LIC will make a payment on a maturity date only. Before that, they cannot do the NEP transfer. I agree with that, sir. मुझे ये पूछना है सर कि SB dues जिसके already है अप्रैल मई में How it's going from the LIC because you know you are connected with directly with the higher authority, sir. So I would like to ask you that how it's happening, sir. LIC has already told that who are having this SBDs, etc. They will, if the NEP is registered, they will get a NEP payment immediately on the due date. Hello, Sunil Soni. Sunil, can you continue? As Sunil ka demand jyada hai. I am nothing. I am just a person like you. Let's continue. That is good for us. Please. Go on. Me? Huh? अरे आता continue काय करू? I mean like I can come on the platform and talk. I mean like me. I was just sharing you. मैं तुम्हाला काही तयार लागती का सर पॉइंट? नाही नाही मी एक शेअर करायला शेअर करतो. नाही 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 बेसिकली तुम्ही एक तास घ्या आता. आमची विनंती. नाही नाही काय प्रॉब्लेम नाही तुम्हाला. See you can this is a good platform and you can easily take over I understand but the question is time is very important and it should be predetermined that how to go about and when something is done you have to madhe jasa kay it doesn't suit properly but then theek hai any time I mean like if mari sir you will call me I will be very happy to share and talk on this subject or whatever the subject I have. Basically, but I have a lot of people have heard me, but still I think it will be refurbishing myself and then I will want to talk to you because a lot of people I know me, but I do not know. A lot of people. So hota hai aisa.
I mean, like, I remember last so many years, I mean, like, we are in the field. Everybody is known about everybody. If any landmark done, deal has been done. So he's been all the time, you know, in the limelight. So it's always there. I mean, like, not necessarily. But be and sustainable growth, I mean, like, sustained, to complete and be sustained in the profession is a challenging job. You know, it's not that you do once, then you do third time, fourth time, and then you vanish. But you have to sustain, and once you sustain, that requires a lot of efforts, a lot of connectivity with your client. You know, you must be talking to your client all the time, and then, it's an ongoing process, not necessary. You have to go for his birthday or you have to go for his this thing, but consistent talking and connecting with the client is so important that nowadays, people I have seen lately. That once a person has done, I mean, like, you evaluate yourself. Ki bhai, no, abhi to iska to income is this much. I mean, like, I know for sure, abhi business aane ka chance nahi. And then you stop that dialogues with him. And certainly, what happens is you're completely out of the picture. And he can, but at the same time, sometimes what happens is the same client is he also forgets you. And then somebody else is doing his servicing, and then one fine day, what I believe is very strongly, you must 110%. I always see that the clients, how the client is behaving, how his growth is happening, what is happening, uski kya company hai, kya product hai, kaise chal raha hai, you know, whether we can, you know, we can involve ourselves in that, whether we can help him in those lines. I had, tried once, I mean, like, it was long way back, that, you know, so many years, I mean, like, years and years and years together, we go and ask our client for the money. I mean, like, for the insurance, that is the only way that you are going and asking him money. But believe me, if you can add value to his business by some way or the other, that is how. I mean, like, I tried this solution, but then it was very, it required a lot of competence and it required a lot of time. So it is something like that suppose, you know, nowadays MSME and small scale industries, they are struggling for the money. You know, they don't have money, they cannot sustain with the money. The question is, they have to run their business, they have got a huge vision, they have got the huge product, but then they are not having the kind of money. Banks, when you go to the banks are going to completely, you know, strip you off completely, taking all the collaterals you have. But then, you know, you have to come with some idea. There are investment bankers are there. There are a lot of people are there that you can bring them into the picture. And then if the product is good and if you don't have the kind of money, so what is the vision for 2019? What is the top line for 18, 19, 19, 20, 20, 21? And if the product is good and if you can sustain in the market, you know, angel funding is there. There are a lot of things are there. This I did try. But then this is one of the things. And if you come with a solution to the client, and client will always welcome. Sunil, I am struggling with the bank. I'll just tell you, one of my friend who is in Pune right now, he's a builder. He's got a huge land and he's a builder himself. He has got 3 towers already standing there. And the 4 towers are done 80%. But 20% towers are just shut because what has happened is he has entered into a JV with a builder, and the JV says that he has offered him 11 acres of land, and 33% of the flat value will be given to the landowner, and the 66% will be taken by the builders. The problem happened is what? The land is collateral security is given to the bank. They have raised money on the bank, and now the builders have not been able to complete the project because builders have not come with anything in their hand. Nothing they have brought at the table when they entered into a joint venture. So now the client, he's my very good friend. He's saying, Sunil, can you help me in this, that we can do something? I can throw out all these, the builders who are there, and we can enter into a joint venture. I need somewhere around 15 crores. So now I'm working on that. So see, this is the area. I'm not going to ask him an insurance, but if you can do something, or if you can help him in this line, that yes, I can do something better if this is not there, I think he will not forget you for his whole life. And then next year, if you go for him for any insurance, he will say, you just show me the paper, I'll sign it, whatever insurance you want to keep taking. This is what the trust building. I mean, like, I'm not saying it can happen with everybody, but these are the measures. I mean, like, you should study what basically the
person whom you are meeting, the person who is your client, if he is into aviation industry, if he is into petroleum drilling industry, I've got variety of clients working in different varieties of people. Aviation to hai, then there is a drilling platforms to hai. The people, those who are in ONGC, they have left and they have gone to the big international companies. Some have gone to Oman, some have gone to SR, some, you know, these are all offshoots of ONGC, but they have made a lot of money. But because of the crude price, which is now tumbling down daily, so all the projects in Oman or in Middle East have stopped and they have been forced to come back to India. Today, there was a TV ad coming that in Oman, Omanization is happening very, very largely. Omanization means what? Omani people don't want expat to be there in their country. So what happens then? There are a lot of people, they have lost their job. I'm not saying that these are the areas, I mean, like, to connect with the client. Apne to client hai hai, but you should know what trade he is, in which area he is working, and you should have some kind of a knowledge of that particular trade or manufacturing or whatever it is. So thoda sa he becomes comfortable when you talk to him. You just can't talk about insurance, you just can't talk about mutual fund. Abhi uske saath jayenge to, because you know for sure that you are an insurance guy or you're a financial consultant, but not that. But apart from that, there are so many things happening in this world. So many economic changes are happening in this world. So, you know, this COVID to hai hai. COVID ke wajah se, I don't know, first quarter, second quarter, third quarter, kya hoga. People have lost their money. Aviation industries have gone for a toss. Everybody is stopped. Salaries have been cut. My son is in Dubai now. His salary is half now. So, you know, it's the permanency is not there. This is just unprecedented. But, you know, ye agar aapko malum hoga na, kya hai, kaun se trade mein hai, kya hai. If you can provide him a solution in this particular crisis, I think it is nothing like it. I mean, like, wo to abhi hota hai. Everybody must be doing their best to help their clients. And yesterday, somebody was talking that this 6 months, you don't ask them for a business. You only see that how you can bail him out in this situation and try to solve him. Give him some solace that, yes, kuch nahi hoga, boss. Yes, everything will be done. Nothing is there. Moratorium has been given by the government of India. There will be a stimulus which is going to be coming from government of India. RBI has just injected 100 crores in the NHB. They have invested into, NHB. They have invested into banking. They have invested into SIDBI. So, you know, they have just invested 50,000 crore in mutual fund industry. So, the industry is wanting to have a stimulus package from them. So they are still waiting. I think yesterday there was a meeting with Nirmala. So maybe today or tomorrow after third, they will come with an announcement for small sectors which are stopped, which are not working. And Modi has given a directive that please do not cut the salary, please give them the salary. If there is no revenue for 3 months, how the company will sustain it? So, something or the other, I mean, like, you should be very careful with what's happening around the world. What is the job losses which are 30 million jobs are gone in US? Can you believe? I mean, like, just now I was saying 63,000 people have died. I mean, like, 10 lakhs people are under COVID. I mean, like, see, they did not act, but who acted fast? I mean, like, the fast people who acted were South Korea. And grand example, Taiwan, grand example. There is nothing. But, you know, see, what happens is, when you look at all these things, India is still more far better. But again, testing was not done. Anyway, this is apart from our profession. But then this all the things, this general, what is happening, this, you know, you must, I don't know, but I most of the time I'm on the news, I'm on the channels. Sometimes my wife says, kya akha din my news. But then you get to know a lot of things. And again, what I believe is in COVID, mein phone karte rehna, please stay home. Please stay safe. You know, you become more. मतलब लोगों को अच्छा लगता है कि अरे मिस्टर सोनी यू रिमेंबर्ड मी यार इट्स सो नाइस ऑफ यू एवरीबॉडी इज डूइंग दैट एवरीबॉडी इज स्टेइंग सेफ यू टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ यू नो दैट मेक्स यू नो थोड़ा सा बॉन्डिंग आपका बढ़ जाएगा ना तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आगे चलने के बाद उसमें क्या हो सकता है सो यू बिकम वेरी क्लोज टू दैट पर्सन एंड द क्लोजनेस कम्स इज नॉट इन वन डे दैट डजंट मेक इन टू डेज ऐसा नहीं डोंट टॉक एनीथिंग कमर्शियल इट्स नॉट द पर्सन शुड नॉट थिंक that ye mere se commercially baat karne ko aaya hai wo business ke liye hi aaya hai that should not be in his mind I mean like I have seen people go with a prior appointment agar business ke appointment hai you talk of that subject doesn't matter that is okay fine but whenever you are meeting him don't talk of business I highly I understand people are always talking of
अरे सर अभी क्या, अभी वो कौन से सिचुएशन में, व्हाट इज हिज माइंडसेट, व्हाट ही इज डूइंग, यू कैन नॉट टॉक बिजनेस ऑल द टाइम. समटाइम्स एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन इज सो इंपॉर्टेंट, वेदर द बिजनेस इज नॉट गिवन टू यू ऑल्सो डजंट मैटर, बट एसोसिएशन विद दैट पर्सन इज गोइंग टू हैव अ फेदर इन योर कैप, बिकॉज यू आर नोइंग अ ग्रेट पर्सनैलिटी लाइक दैम एंड देन ही इज योर फ्रेंड, डजंट मैटर ही इज नॉट गिविंग यू बिजनेस, बट यू नो दैट विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन योर पर्सनैलिटी. That will have an impact on your personality. So sometimes what happens is every सबके साथ तो business हो नहीं सकता है. We are meeting number of people, different varieties of people. सबके साथ नहीं हो सकता है ना business, but उनके साथ दोस्ती हो सकती है. तो दोस्ती करके आज नहीं तो कल वो आप वो खुद business नहीं देगा, but उसका friend के लिए बोलेगा मिस्टर सोनी जरा please आप जाइए ना उनके पास, he has been into mess, उसने क्या किया है उसको ही मालूम नहीं. ऐसे बहुत से client मेरे पास आए हैं and when I saw their complete portfolio, it is absolutely in a mess. बट प्रॉब्लम इज जब तक आप कनेक्टिविटी उसके साथ ज्यादा नहीं करेंगे ना, तब तक वो तुमको आपको ही विल नॉट बी वेरी क्लोज टू यू. तो बहुत से लोग हैं ना अपना कॉन्फिडेंशियलिटी अपने फाइनेंसिस जल्दी खोलने के लिए डरता है, बिकॉज ही नीड्स उसकी इंटीग्रिटी क्या है, व्हाट इज हिज एजेंट, वो क्या कर रहा है, व्हाट इज हिज ग्रोथ, व्हाट इज हिज स्टैंडर्ड, वेदर ही इज केपेबल ऑफ इनफ दैट माई कॉन्फिडेंशियल विल बी इंटैक्ट. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स पीपल आर वॉचिंग यू वेन यू गो फॉर अ डिबेट. इट इज नॉट दैट दैट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स पीपल आर ऑब्जर्विंग यू, यू आर ऑब्जर्विंग समबडी. सो आई मीन लाइक जब भी आप बोलेंगे विद सम कन्विक्शन के साथ बात करना चाहिए. आई मीन लाइक इट इज नॉट दैट दैट यू नो एवरीथिंग. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे ये मालूम नहीं, ये मालूम नहीं, ये वो मालूम नहीं. बट द सब्जेक्ट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एज मिस्टर केतन भाई सेड. आई मीन लाइक यू शुड बी, बट अभी जो डिजिटलाइजेशन, आई विल बी वेरी फ्रैंक टू टेल यू, मैंने कभी भी वो डिजिटलाइजेशन ये सब ये करके वो मोबाइल पे इसमें उसमें मैं कभी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को. I go to the client with an appropriate time and I open a dialogue. Believe me, those meetings mein my client is mine. In two meetings. ऐसे कितने बार हुआ है? बोलता है सुनील मैंने अभी तक किसके कितने लोगों को चेक रोक के रखा है, बट पता नहीं मैंने आपसे बात करने के बाद पैसे कैसा इंश्योरेंस ले लिया. So this is the magic. I mean, like you should have tremendous command over your language, your subject and etiquettes, manners and the way you present. वो बहुत सीखने जैसी है, बुक में नहीं मिलेगा आपको. पर्सनली डेवलपमेंट के लिए यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड, दैट कैसे मिलने का है, हाउ यू हैव टू ड्रेस अप. आई स्टिल सी पीपल डोंट ड्रेस अप इन अ वे दे आर प्रोफेशनल. डजंट मैटर दैट यू हैव टू वेयर टाई ऑल द टाइम, डजंट मैटर. टाई तो अभी टाई एंड जैकेट तो पहनते ही है लोग, बट नाउ बट द क्वेश्चन इज वंस यू ओपन योर माउथ पर्सन नोज दैट व्हाट इज योर डेप्थ. वो टाई डालने से कुछ नहीं होता है. यू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. Try to, you know, reading is very important. Paper reading करो ना रोज अपना कितना economic. You should, I mean, like, I... Anyway, so this is what, I mean, like, this is a very huge subject, Mr. Lagar. I can talk, go on talking for 2 hours and 3 hours. But Sir, I agree with you, but can you share your one biggest sale and conversation? बिगेस्ट शेयर तो मैं एक लास्ट टाइम किया था. मेरा बिगेस्ट शेयर लाइक दो कैसे मैंने दिल्ली का और इसका किया. हाउ यू स्टार्ट योर कॉन्वर्सेशन विद क्लाइंट? वेल आई मीन लाइक स्टार्टिंग अ कॉन्वर्सेशन विद अ स्पेसिफिक आइडिया. इफ यू गो टू अ क्लाइंट स्पेसिफिक आइडिया, आई हैव कम हियर टू डिस्कस बिजनेस, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक एनीथिंग अदर देन दैट, राइट? वंस दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज डन, देन यू टॉक ऑफ बिजनेस. बट to go to an unknown client, I mean, like somebody is referring you, and then you go and you open your dialogue, and then you say, sir, good evening to you. I mean, like, it was great meeting you. I'll give you an example. I was at Bangalore airport. I think Arvind knows about it, or maybe, yeah. And I was with two of our very great agents in our industry, and MDRT president was with us. We were at a Bangalore airport, and there was a lot of time to, you know, for the flight. I saw Mahesh Bhupathi sitting in a very last corner there, and he was sitting just with his laptop, I mean his mobile phone on, and he was just sitting, he was not talking to anybody. I knew that because I knew he's a great icon of India in tennis. He has won 11 Grand Slams, particularly in doubles and so on and so forth. And I went to him, sir, I said, excuse me, it is a great privilege for me, I mean, like, to shake hands with you. Let me shake hands with you. This is what I did. And I did shake hands with you. And I said, sir, my day is done today.
because I have met a great personality of tennis industry, tennis days. And this is an icon that I will never forget you. And I really admire your spirit in sports and all. Thank you very much. This is my, this is my card I gave him. And I'm Mrs. Sunil Soni. I'm from Bombay. Okay. And nice to see you, sir. Thank you very much. Believe me, after coming back from Bombay after 2 months, uska message aaya mere ko. No, not that message. I had taken his number. There was French Open going on. There was US Open going on. Italian Open going on. These are the matches and Wimbledon in the month of June and July. So when he was playing and he was doing that, he entered into a quarterfinal match with somebody in French Open. And I messaged him, sir, congratulations to you entering into quarterfinals. Wish you all the best to go into semis. So, wo message ka reply hai mere ko raat ko. Sunil, so nice of you that you are watching and you are so watching tennis. I said, certainly, sir. My best today tennis star would be Roger Federer. Unfortunately, last year he's decided to retire. But he is my favorite. And once upon a time, Pete Sampras was my favorite. So, I mean, like, I knew tennis very well because I was watching tennis. So, he was very fascinated. Then he went into semis. I said, bahut ek saal, der saal tak chala. And then he said, Sunil, I've got an academy. I'm teaching tennis at Parsi Gymkhana in Bombay. Can you meet me in the club? This was his response. I did not ask him of any business. Nor did I ask of what I am doing, nothing. Mujhe mil sakte ho kya? And I went to his club there, Parsi Gymkhana. He was sitting there. And I was fascinated. I mean, itna bada icon ke saath business gaya khadde mein. Lekin I can meet and relate to him. That is a great thing for my life. And then he asked me, Sunil, I'm very happy to meet you. What do you do? I said, I'm in insurance and all. So, do you have an insurance? He said, the bank manager or bank, the chairman of the bank is handling my portfolio. Motilal Oswal is handling my portfolio. So, then you are out of the picture. So, you know, it's like that. So I said, okay, fine. You're doing good? Yes. Then, okay, I said, it was nice meeting you. We had a cup of tea and then again I went back. I did not ask him insurance then. Ek din Baba's phone hai, Sunil, my daughter has to be insured. So, I was like, yes, what is her name? I mean, like, her name is Saira. So, I was like, yeah, definitely. So, I went home. Uska 2 crore ka insurance usne kiya mere se. I did the medical at home. Lara Datta was sitting next to me. Mahesh was there. So, I asked Lara, what about you? So she says, Sunil, I am out of picture now. I don't have endorsements, nothing. We'll see later. And this is how I did the business with him for 2 crore. I did not ask him a business. But the question is, the relationship and my consistent talking to him on the subject and congratulating him, it gave me a huge booster. And then he is my... So one day, one of our ex-chairmen told me, Sunil, meri beti Dubai mein, to usko Dubai Open mein match dekhne ka hai. So I told Mahesh, can you arrange for a ticket for this girl? So usne arranged here. So this is how it happens, you know. So now we have become good friends. Sometimes after certain time, what happens is you forget the business and you become a good friend. Itna friendship badh jata hai aapka ki he himself tells us, "Arey, Mr. Soni, last 2 saal se tune insurance ka kuch bola hi nahi hai. Abhi kya naya naya plan hai? Bol na mere beti ke liye, mere ladke ke liye." This is how it happens. You go above that. फ्रेंडशिप में अबाव हो जाते हो. एक दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि आई वाज ट्रैवलिंग टू चेन्नई एंड आई वाज ऑन द आइल सीट एंड वन जेंटलमैन वाज सिटिंग ऑन द आइल सीट ऑपोजिट टू मी. तो वो मेरे तरफ देख रहा था. वो मैं सर, अरे भाई, दिस मैन इज लुकिंग एट मी, अननोन मैन ना. तो आई लैंडेड एट चेन्नई एंड ही ऑल्सो लैंडेड एट चेन्नई. नहीं, इन द फ्लाइट ही आस्क्ड मी, sir, beautiful watch. I'm very fond of watches. I mean, like, believe me, let me share with you. I had different varieties of watches and huge collection of watches. I'm very fond of watches and pens. So, main wo watch us din mere haath mein kaunsa tha? I think Casino Royale mein tumhara Daniel Craig ne jo pehna tha, that black dial ka. So, that watch I had taken, that was limited edition. So, I purchased that watch. So, wo watch haath mein tha mere. So, that beautiful watch. फिर थोड़ी देर के बाद मेरे को बोलता है, ओ ब्यूटीफुल शर्ट, ब्यूटीफुल, मतलब आई हैव गॉट अ वेरी पिक्युलर वे ऑफ ड्रेसिंग एंड ऑल. आई मीन लाइक आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दैट. तो मेरे को बोलता है, बटन भी अच्छा है उसका. आई स्टार्टेड थिंकिंग कि ये कौन सा आदमी है, मतलब बटन भी मेरा देख रहा है,
मेरा शर्ट भी देख रहा है, मेरा वॉच भी देख रहा है, ही इज ट्राइंग टू यू नो, मतलब ये कौन है? तो आई वॉज टोटली, मैं उसको पूछा भी नहीं आप क्या करते हो करके, बट ही आस्क मी. So I said I'm into insurance and I come every 3 months to Chennai because in Chennai I have got a lot of clients. So मैं उतरा एयरपोर्ट पे तो उसका ड्राइवर आया and he told me Mrs. आप कहाँ जा रहे हो? मैं बोला I'm going to residency because that is my favorite hotel at T Nagar. Residency में मैं रहता हूँ हमेशा. So I'm going to residency. So sir no, I'll drop you. मेरा taxi already खड़ा है. So I said my taxi is already booked. So no, you leave the taxi, come with me. उसका रेंज रोवर गाड़ी था विद अ कैब ऑन, उसका जो ड्राइवर आया विद अ, मेरा बैग उठाया, बैग में मेरा वो एक लैपटॉप का ये था और वो मेरा सिंपल बैग था ओवरनाइटर, तो वो लेके बैग गाड़ी में डाला. गाड़ी में डालने के बाद ही सेड दैट आई विल ड्रॉप यू, सो ही ड्रॉप मी एट माय होटल. एंड मैं मेरा मीटिंग रेगुलरली जो था, आई टू मीट सो मेनी पीपल, आई केम बैक इन द इवनिंग, आई वाज एग्जॉस्टेड, फिजिकली एग्जॉस्टेड, मेंटली एग्जॉस्टेड, बिकॉज आई वाज टॉकिंग टू लॉट ऑफ पीपल. तो वो शाम को 7:30 बजे उसका फोन है, नहीं नीचे रिसेप्शन से मुझे फोन है, सर समबडी मिस्टर राजाराम करके है, उनका ड्राइवर है, ही वांट्स टू टॉक टू यू. मेरा ड्राइवर, सो आई लिफ्टेड टू द फोन एंड ही सेड दैट सर, सर ने बोला है कि अगर आप फ्री है तो आपको लेके आओ. मैं कहा I was not knowing where he's going to take me because absolutely new person. मतलब क्या मेरे को कुछ hypnotize हुआ है कि क्या हुआ है मुझे पता नहीं है. तो he said no, sir ने बोला, he took me to his house. घर पे, वो घर इतना लंबा किधर था, that car also, तभी last time that was a Range Rover, this time it was S class, Mercedes S class आई थी. तो मैं बोला यार दो गाड़ी तो बड़ी बड़ी दिख रही है. तो when I went into, believe me, मैं वो दरवाजा इतना ह्यूज दरवाजा था, वो दरवाजा जब मैं खोला, कैन यू बिलीव आई सॉ लैम्बोर्गिनी ऑफ 6.5 crore. लैम्बोर्गिनी फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा नजर में ऐसा हाथ लगाया लैम्बोर्गिनी को, फिर बाद में उसके बाद मिनी कूपर, ये ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां थी. आई वेंट इनसाइड एंड देन ही टुक मी इनसाइड, ऐसा ह्यूज घर विद पिलर्स, वुडन पिलर्स, सब वुडन, उधर तो सब दे आर ऑल चेटियार्स ना, सब वुडन, बड़ा बड़ा टेबल, 6 कुत्ते अंदर, द ह्यूज बंगलो. एंड देन आई सेड सर लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, यू हैव आस्क्ड मी सो मेनी क्वेश्चन, कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन? ही सेड श्योर सर्टेनली. तो मैंने उनको पूछा व्हाट डू यू डू, तो बोलता है मेरा साड़ी का बिजनेस है. आई मीन लाइक आई वाज शॉक्ड कि साड़ी के बिजनेस में अ पर्सन कैन बाय 4.5 crore लैम्बोर्गिनी. आई मीन लाइक 7 huge cars at their disposal, they can buy. I mean like I was fascinated. I mean like I sir, I mean like ye 6 kutte, like ye sab sir, I mean like who is so fond of all these things, who is so passionate? Bolte hai mere dono ladke aur my daughter, they are very passionate of cars. My daughter wanted me Mini Cooper, mein uske le liya. Mera elder son ko Lamborghini chahiye tha, usko diya. In man mein maine socha कि उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको कैसे अलाउ करता है सब लेने के लिए. बट एनी वे दैट वॉज एंड वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स. तो वी आई यूज्ड टू गो टू चेन्नई टिल दैट टाइम. मैंने उसको ये नहीं पूछा कि सर मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ, बराबर है. आई डिड नॉट आस्क हिम दैट हु डज योर इंश्योरेंस, नेवर. मैं पूछा ही नहीं उसको. 2-3 बार चेन्नई गया, उसको मिला, उसके दुकान से साड़ी लिया. माई वाइफ वॉज ऑल्सो कम विथ मी. एंड देन वन फाइन डे ही टोल्ड मी, मिस्टर सोनी आपने तो अपना प्रोजेक्ट इसके बारे में बोला ही नहीं, मेरा इंश्योरेंस का सब देखो ना जरा आप लोग. तो मैं पहले मेरे को डिटेल दे दो. एंड बिलीव मी, मैंने उसके सभी बच्चों का इंश्योरेंस लिया 50-50 lakh. आई मीन लाइक सी दिस इज नॉट दैट दैट आई हैव गॉन देयर टू गिव हिम, इट इज दिस इज अ इंश्योरेंस. आई मीन लाइक वो मेरा फ्रेंड प्लेन में हुआ है, ऐसे मेरे अनगिनत फ्रेंड है ना एक ही मीटिंग में हो जाते हैं. आई मीन लाइक दैट इज अ गॉड गिफ्ट टू मी, आई डोंट नो, बट दिस इज वॉट आई मीन लाइक गॉड हैज शावर्ड ऑन मी दैट इफ आई टॉक टू समबडी फॉर 1 मिनट or 2 minutes, he becomes my fan. I mean like that is my straight success hota hai. मतलब मेरे को ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती. कौन सा प्लान है ये प्रेजेंटेशन डेटा कॉम का लेके जाओ, ये करो, इसका IRR तो कभी जिंदगी में नहीं किया. बिलीव मी इन 38 years नेवर एवर IRR क्या आता है, नो बड़ी आस्क्ड. पर अभी मेरे को सीखने का है वो, मैं उल्लास के पास जाके वो सीखने वाला हूँ कि IRR सीखे हुए ऑलरेडी. नहीं IRR इज वेरी स्ट्रांग. अरे नहीं IRR कैसे निकालने का वो मुझे मालूम नहीं. नहीं 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 आपका IRR बहुत स्ट्रांग है, इंटरनल रिलेशन रेशियो.
नहीं नहीं वो है, वो हो सकता है यार, दैट इज करेक्ट। प्रोडक्ट आया उस दिन दीप पाटिल ने किया था, जिस 6.48 होता है 50 लाख का, 21 इयर्स का पॉलिसी इतना, वो कैसे निकालने का आई डोंट नो। उसमें उल्लास मेरे ख्याल में मास्टर है, इवन अरविंद इज वेरी गुड इन दैट, दीप इज, यंग बॉयज दे आर डूइंग फिनोमिनल जॉब, आई मीन लाइक वी हैव नॉट लर्न दैट। अगर वो अगर और शायद ऐसा हो सकता था कि हम लोग को मालूम है। सुनील हां, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी यंग। अरे ये यंग ओनली डार्लिंग, ऐसा कोई है ये यंग है, आई मीन लाइक आई स्टिल हृदय हृदय काढून ठेवलं हृदय। नहीं सगळी माणसं आहेत ना, सगळी पुरे नाम वी हैव टेकन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम योर हार्ट नाउ। नो नो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, thanks a lot, thanks a lot, thank you everybody, and Sunil, it was nicely said by you. Huh? Kya the? Kya bola? Sunil, it was very nice. Thank you, बढ़िया। अरे ऐसा कुछ बरत रहे हैं यहाँ पे, काय क्या बोलना है मुझे? What can I say in this hours? So see, I told you that you are yourself in the laboratory. This is just a sample. No, no, it's okay. It was great. I mean, I would be very grateful to Mr. Prahlad Mali. I remember Mr. Mali 20 years back, black hair, or he was so active with a bag in the hand. I was also young that time. But then this initiative what he has taken is phenomenal. I mean, like we all can come together again on the same platform, share our ideas, share our knowledge. So all will benefit by their knowledge, their experience, their share. I will like to lastly tell you one thing. वो अभी केतन शाह ने बोला ना prospecting, prospecting में एक picture मैं आपको बोलूँगा वो सब लोग ने देखना चाहिए. I have seen 100 times, and that picture of Will Smith का picture है Pursuit of Happiness. If you see that picture, that is going to change your complete paradigm. कि कैसा Will Smith, and believe me, वो जो Chris Gardner था the main पिक्चर में जो जिसके ऊपर पिक्चर बनाया है, he was broker, he was a black broker in San Francisco, and believe me, he had come to MDIT platform in US and he has delivered a lecture and I was present there. उसके ऊपर ये पिक्चर निकला है, a person. Steve Smith. हाँ, yeah. Steve Smith. Yeah. एक्टर जो था Steve Smith. ना, Steve, वही ना, Will Smith है, Will Smith ही बोल रहा हूँ मैं, Will Smith. Will Smith here. Yeah, he is Will Smith, and he has acted Chris Gardner, and Chris Gardner was one of the brokers who was being banned in San Francisco even not to drink water from the tap, and that man became multi-billionaire, and the story shows how he did that. So that everybody must see that picture. Picture का CD होएगा तो आप देख लो please, because उसमें उसने लिखा है कि when he was walking on the streets of San Francisco. And he saw everybody so happy. So he was asking a question to himself that why everybody is happy and I am not. So you know, aisa karke he was going in the. I think Arvind must have seen that picture. Most of the people must have seen. But that picture mein, there was a Lamborghini which came ek stock market ke niche aisa khadi ho gayi, and he asked that person, sir, can I ask you 3 questions? So that man got down of the car and said, yes, tell me, sir, what do you do? And how do you do? Nay, what do you do? What business you are into? How do you do? And what made you to buy this? So he said a simple language, simple sentence mein usko bola, you have to be with the people. The more people you meet, the more appointments you get, and the more appointments you get, you can more do the sales. I'm a stockbroker and I'm in this building. Sir, what is the name of the picture? You see Pursuit that picture? You'll thank be, you, thank you, sir. Achha, you know, aisa trembling ho jayega, the way Will Smith has acted. And this is a precise true story of Chris Gardner. True story. I mean, like, you should. These are the channels na, jo inspirational channels hai na. You should abhi COVID mein to dekho na, history mein jaake. See the people those are to that pinnacle level. What struggle they have done. Hum log kuch bhi nahi hai. What struggle they have done. You will not believe ki itne level pe aaj hai wo log. You see the house of Warren Buffett. See the house. He's still driving his old car. He is one of the richest man in the US. See, these are the things that you inspiration will there. One day, somebody asked Tata's, sir, what is the difference between
Ambani's and Tata's. He said, Mr. Ambani is a businessman and I am an industrialist. Simple answer. That showed everything. So, I mean, like, these big people, na, aap unki autobiography padho, aap unka, unka, how they came up in their life, aapko itna inspiration aayega. I mean, like, you will feel that, are yaar, ye hum log to sara, apne paas sab Bhagwan ne diya hai, ghar diya hai, ye diya hai, wo diya hai, phir bhi hum log nahi kar rahe hai, but jinke paas kuch bhi nahi tha, they are where? Unbelievable. Unbelievable. Matlab, kabhi koi rona aata hai. So, I think you should do that. Anyway, I am taking a lot of time. People have to go home. Sorry. Sorry, sir. Everybody is at home. Don't worry. No, no. Home only. Sorry, sorry. But then, you know, people have got other things to do. You are at home only. So, main aapka just share kar raha hu because, you know, but I will again, I will request Mari, sir. एक बार अभी आप सेशन रखेंगे तो मेरा नाम इंक्लूड कर देना बिकॉज़ मेरे को बहुत बात करने का है एंड आई वुड लाइक टू शेयर दिस टू माय एजेंट्स एंड दे शुड लर्न समथिंग आउट ऑफ इट यू नो इट्स नॉट दैट दैट व्हाट आई डू यू शुड आल्सो डू अभी क्या है कि मेरे क्लाइंट आप ले नहीं सकते उसके क्लाइंट आप नहीं ले सकते बट मैं जो कर रहा हूँ वो कैसे करने का है वो मैं आपको बताऊंगा सो यू विल आल्सो ऑन दैट पिनाक आई वुड लव टू सी ऑल माय एजेंट्स डूइंग एमडीआरटी सीओटी टीओटी व्हाई नॉट Because once upon a time, when I was sitting in the audience, तो मेरे सामने ऐसे कितने बड़े-बड़े लोग आते थे और उनको शाल पहनाते थे, चेयरमैन लोग ये कहे, you know, पुष्प गुच्छ देते थे. So I used to see, यार, ये तो कितने बड़े-बड़े लोग हैं. I used to always, you know, learn from them. So this is the thing that when you see, I'm at this. आपको मैं बता देता हूँ, नौशाद अली खान, everybody knows नौशाद. He's one of the greatest music directors on this earth. He died. But you know, एक picture आया था. मेरे ख्याल में बैजू बावरा पिक्चर था एंड बैजू बावरा पिक्चर का सिल्वर जुबिल हुआ था ब्रॉडवे सिनेमा अभी ब्रॉडवे सिनेमा दादर में नहीं है तो ब्रॉडवे सिनेमा पे नौशाद जी को ऊपर बुला के उनको बोला था सर यू हैव डन ए मार्वेलस जॉब जो गाने बैजू बावरा के उसके से गाने ने दिस इज अ फिल्म फेयर अवार्ड और आपको सिल्वर जुबिल अवार्ड दे रहे हैं हम लोग तो नौशाद ने बोला सर आई रिमेम्बर मैं ये ब्रॉडवे के गैलरी में आज खड़ा हूँ लेकिन सामने का फुटपाथ जो है वहां मैं सोया हूं टू कम फ्रॉम दैट फुटपाथ टू ब्रॉडवे गैलरी इट टुक मी 25 इयर्स बिलीव मी आई मीन लाइक दिस इज समथिंग व्हिच इज अनबिलीवेबल आज उसके ऐसा माएस्ट्रो कोई है नहीं दिल मतलब उसके ऐसा कोई म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बट देन ही हैज सो हैड टू स्ट्रगल पीपल केम टू बॉम्बे लुकिंग फॉर अ ग्रीनर पास्चर्स हियर एंड बट दे प्रूव देमसेल्फ बाय हार्ड वर्क एंड आई विल टेल यू वन थिंग वन एक ही चीज है हार्ड वर्क always pace today tomorrow day after tomorrow but it will not go waste please ye band ke rakhna gaat ko band ke rakhna hard work hi aapko pay karega aisa kuch nahi hai duniya mein ki aapko pay karega hard work will always pay aaj itna jaldi nahi perseverance hota nahi are kya hai kuch karta nahi chhodo isko no that will give you good result aapko uska phal milega hi aur ye geeta mein likha hai wo jhoot nahi hai I mean like I Truly, and this is my experience. I mean, I'm not. I'm sharing my clear experience. Anyway, मैं बहुत बात करता हूँ. Sorry to that. Sunil sir, no, thank you very much. Thank you very much. Sunil ji, you are in a list only. In a next week, we will be keeping your session. Okay. So, Sunil ji, I will be in touch with you. I will collect your all the information. Yeah. And next week, you will be presenting on this diet. थैंक यू है डेफिनेटली टाइम ज्यादा ही दे दूंगा आपको दो घंटा दे दूं या तीन दो घंटा ओके डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग इट टू आवर वील स्टार्ट द सेशन ऑन दैट डे एट 10:30 इटसेल्फ वील स्टार्ट द सेशन अर्ली वील स्टार्ट एट 10:30 Chalega, declare in advance only. Yeah. I will be happy and more happy to talk to my friends because yeah. They are all struggling. They are well, also that we are observing now also. So thanks a lot. And thank you everybody to listening to me. Lagar sir, thanks very much. Kirit bhai, Mali sir. It's a pleasant listening. It's a continuous flow of your communication was great. Thank you so much. Thank you so much for accepting our request. My sir, one request is there. Somebody was asking about employer-employee. So I have a beautiful presentation. Sir, 8 minutes with the 8 minutes. I would like to make special announcement. All the participants are requested go through the chat box
I have given the list of 266 email ID which I have already registered and send them a link to them. For every session, they will be getting this link because their email ID is there. In that box, I have mentioned very clearly, if your email ID is there, please don't repeat it. Even then, people are writing their email ID again and again and again. Again, there's some people, they are commenting that I have already shared with you. I don't know why it is. The instruction is, if your name is not there, please write it down. That's all. Instruction was so simple. But even then, if you go through it, you will come to know who have given what comment and how they are repeating their email ID, though they're in the list their name is there. I can't understand. Means either I am a failure person who can't communicate with you, or you are such a wise man that you don't need any instruction. You want to work as per your ideology and your way only. You are not bothered that what are the rules laid down by the organization. So I don't know what is the reason that the people are not following the instructions. My kind request is that please follow the instruction, because discipline is a really important thing in our life. So my request to everyone, please go through the instruction first and then act. Don't start acting without reading the instruction. So if anybody has not, his email ID is not there, please check the list. I have number and the total email ID. There are the 266 email IDs I have posted. If your name is not there, then only write down your email ID. You can just put a next number also after 266, so that other person will also come to know what are the numbers now. But if your email ID is already registered, please don't write it again, again and again. This is my humble request to each and everyone. Now carry on. Maliji. Yes. Maliji. Rahul Deshai is good. Namaskar. Bola na. I went through the list. 191 was a एंट्री होती ती जरा बरोबर नव्हती, म्हणजे इनकरेक्ट होता थोडासा, म्हणून मी पोस्ट परत मी लिहिला 190. यस यस राहुल, आय हॅव मेन्शन दॅट ऑल्सो. इफ युअर ईमेल आय डी दे करेक्शन आर रिक्वायर्ड, देन यू कॅन राईट इट डाऊन. दॅट ऑल्सो आय हॅव मेन्शन. अँड प्लीज प्लीज काइंड रिक्वेस्ट, don't give the your different mail ID. The one person is giving the 2, 3, 4 email IDs and that is increasing the number. Do you think that the one email ID is not enough? Why you want that you should get a message on the 4 different domain? I can't understand this. And my request was please give the Google domain, that is Gmail domain only. And even then you go through the list, you will understand how many people they have not given the Gmail domain. They are given the any other domain. Now what to do? And again they will complain that they are not getting the mail. How they will get the mail? Abhi wo Bangalore ke gaadi mein baith rahe aur bolte Delhi abhi tak kyun nahi aa rahi hai? Kaisi Delhi aa jayegi? अब दिल्ली नहीं पहुंच सकते हैं साहब, आपको दिल्ली के गाड़ी में बैठना चाहिए था और इंस्ट्रक्शन वॉज गिवन. प्लीज प्लीज गो अहेड. एनी वन टू टेक ओवर और शुड वी कंक्लूड द मीट हियर ओनली कंक्लूड मलिक साहब, बट आई लॉस्ट इन बिटवीन देयर इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम, देयर वाज सम इंटरप्शन इन द मीटिंग. राहुल जी, बात ऐसी है, इफ देर आर एट प्रेजेंट देर आर 127 पार्टिसिपेंट्स, ओके, नाउ ऑल आर वॉचिंग इट और सीइंग इट,
But if there is a broadband internet disturbance at anyone's end, and if he is unable to listen or to watch the picture, then whose fault it is? Can I add Do something? You expect that we can correct it from this end? Is it possible that we can correct it? Can I add something? Yes, sir. He is not asking for any correction. He is asking about that whatever he has missed, what about that? We don't have to worry at all. All Alika members are going to get the recording, PPT, whatever. All Alika members are going to get. So not to worry at all. Yes. Great, Arvind. So there is a kind request once again. If any one of you is not a Alika member, please be a Alika member. Yeah. And there is a one more announcement that people are again and again getting the confusion because their WhatsApp messages are moving on like anything. Yesterday night, I got one WhatsApp message that Alika is organizing the certificate course in finance planning of Amanchu. I don't know who is organizing that, but name is of Alika. And the payment collection is on a individual name. Please remember that Alika never collects cash. Alika never collects the check in any other name. I have given you the name of beneficiary, account number, IFC code, and etc. Alika's transactions is audited and we never collect cash. And if someone is paying cash, he will get a cash receipt. We are not collecting on individual name. And in that message, very clearly, it is the agent's name is given and please transfer amount in a particular agent's account. Alika is not doing that. Please be aware about all such messages. It is not Alika's program. Hello, sir. Yes, bola. Hello. Hello, my sir. My sir, Vidyadhar here. Vidyadhar, sir, please. Bharti na bolun da. Yes, bola. बोला मैडम सर कल का मेरा है ना मैंने 10:40 से कनेक्ट किया था कनेक्ट नहीं हो रहा था तो कल पूरा मेरा मीच हो गया मैंने 12 o'clock तक चालू रखा था तो मुझे कल का जो रोहित भाई का है ना रोहित भाई का कल का जो पीपीटी और सेशन का मुझे रिकॉर्डिंग अदरवाइज मेल कुछ मिल सकेगा हाँ मैडम अभी प्रहलाद एक मिनट भारती मैडम हाँ बोला सर आप जो 10:40 को आ रहे थे ना इसके अगर 9:30 के बाद अगर आते थे ना तो पक्का मिलता था नंबर वन कल थोड़ा लेट हो गया मेरा हाँ नो प्रॉब्लम आपने मेंबरशिप लिया है ना तो आपको मिल जाएगा मेरा जूना पूरा है पुराना है मेरा तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा प्रहलाद विल टेक केयर ओके थैंक यू सर ओके यार थैंक यू थैंक्स हाँ विद्याधर यू हैव टू सेंड समथिंग या या somebody was asking about employer-employee presentation. So I have got a presentation for business owners' worries, which includes scheme and insurance and employer-employee. So whenever there is an opportunity, please let me know. Lakar sir, employer-employee ghya tumhi ek session. Yes, yes, yes. Business owners' worries hai tyachyamadhye. Basically, it is a scheme and insurance and employer-employee both. Yeah. Thank you. माय सर ठीक है हाँ ठीक है ना डेफिनेटली ओके 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 ठीक है अरविंद ओके यस एब्सोल्युटली हाँ एनीवे थैंक्स टू ऑल आई एम जस्ट साइनिंग आउट एंड विश यू अगेन टू सी यू अगेन सेम सून थैंक यू वेरी मच माय सर थैंक यू हाँ या थैंक यू टुमारो वी विल बी हैविंग नॉट टुमारो या टुमारो वी विल बी हैविंग अ सेशन ऑफ सुहास रानडे जय महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र
जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद सुनील, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। Thank you.